नमस्कार और बहुत 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 आभार आदि पुरुष के ट्रेलर को खुले मन से स्वीकार करने के लिए। अब जबकि पूरा देश राममय हो चुका है और 16 जून का बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहा है, मेरे मन में एक बात आई कि गोस्वामी बाबा श्री तुलसीदास ने वो चौपाई क्यों लिखी थी, हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहां ही सुनहीं बहुविधि सब संता। यानी हरि और उनकी कथा दोनों अनंत हैं, प्रभु की छवि जो जैसी देखता है वैसी बताता है। बाबा महान दार्शनिक थे, कोई बात यूं ही नहीं लिख देंगे। ऋग्वेद में भी एक श्लोक है, एकम सद विप्रा बहुधा वदन्ति, यानी सत्य एक है, उसका वर्णन ज्ञानी अलग अलग तरीके से करते हैं। आपको हैरानी होगी ये जानकर कि भारतीय ज्ञान परंपरा के दो सबसे महान ग्रंथ श्री वाल्मीकि रामायण और तुलसी की श्री रामचरित मानस दोनों एक ही कथा सुना रहे हैं, लेकिन दोनों में रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट और इमेजरी के इतने अंतर हैं कि गिनने के लिए उंगलियां कम पड़ जाएं। महर्षि वाल्मीकि श्री राम के कंटेम्प्रेरी थे, समकालीन, तो इसमें कोई डाउट नहीं हो सकता कि उनकी लिखी हुई कथा ही सबसे प्रामाणिक है। बाबा तुलसीदास तो अभी हुए थे 450 साल पहले, लेकिन तुलसी के मानस का जो सम्मान है हमारे मन में और भारत के घर घर में, उसे कोई झुठला सकता है क्या? और रामायण के पात्र कैरेक्टर्स, उनका सबसे लोकप्रिय स्केच तो और भी बाद में खींचा गया, अभी लगभग 150 साल पहले। आज हम श्री राम से लेकर माँ सीता और बजरंग बली तक सबको महान चित्रकार राजा रवि वर्मा के पेंट ब्रश और कैनवस की बदौलत पहचानते हैं। पॉइंट ये है कि जब बाबा तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखते हुए वाल्मीकि रामायण को अपना सोर्स मटेरियल माना, तो फिर दोनों ग्रंथों में इतना अंतर क्यों है? आगे बढ़ने से पहले ये जान लेते हैं कि अंतर है क्या। थोड़ा पेशेंस के साथ सुनिएगा, लिस्ट लंबी है। श्री राम और मां सीता का विवाह सीता स्वयंवर के बाद हुआ था, मैं और आप यही जानते हैं ना, बाबा तुलसीदास ने भी यही लिखा है, लेकिन महर्षि वाल्मीकि ने अपनी रामायण में कहीं स्वयंवर की चर्चा नहीं की, धनुष यज्ञ का भी जिक्र नहीं किया। पुष्प वाटिका में श्री राम और मां सीता का पहली बार मिलना, यह भी श्री रामचरित मानस में है, वाल्मीकि रामायण में नहीं। लक्ष्मण क्रोधी हैं, बात बात पर तैश में आ जाते हैं, उबल पड़ते हैं, ऐसा बाबा तुलसी लिखते हैं। वाल्मीकि के लक्ष्मण शांत और सौम्य हैं, एकदम काम एंड कंपोज्ड। उन्हें पूरी रामायण में सिर्फ 3 बार क्रोध आता है, जब वो राम के वनवास का समाचार सुनते हैं, भरत मिलाप के समय और 3री बार किष्किंधा में सुग्रीव को उनकी प्रतिज्ञा याद दिलाते हुए। तुलसी रामायण के अनुसार लंका जाने के लिए समुद्र ने श्री राम को रास्ता नहीं दिया तो लक्ष्मण क्रोध में आ गए। उन्होंने श्री राम से कहा, भैया उठाइए अग्निबाण और सुखा दीजिए ये समुद्र। इसके बाद श्री राम ने समुद्र पर बाण तान दिया। लेकिन वाल्मीकि रामायण में ये सीन कुछ अलग है, वहां श्री राम को समुद्र पर क्रोध आता है, लक्ष्मण को नहीं। लक्ष्मण तो अपने भैया को शांत करवाते हुए बताए गए हैं। लक्ष्मण रेखा, लक्ष्मण रेखा बाबा तुलसी की लेखनी से खींची गई थी। वाल्मीकि रामायण में लक्ष्मण रेखा का कोई उल्लेख, कोई प्रसंग नहीं है। रावण की सभा में अंगद ने पांव जमा दिए, राम के दरबार में हनुमान ने सीना चीर कर अपने हृदय में बसी हुई राम सीता की छवि दिखा दी, ये दोनों प्रसंग भी वाल्मीकि रामायण में नहीं है। हम कैसे जानते हैं? तुलसी रामायण से। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं, सीता जी का हरण और लंका में मिले उन्हें कष्ट वास्तविक थे, उसमें कोई माया कोई इल्यूजन नहीं था। लेकिन तुलसी कहते हैं कि जिस सीता का रावण ने हरण किया था वो असली सीता थी ही नहीं, वो सिर्फ राम की माया थी। वाल्मीकि रामायण के अनुसार सीता की अग्नि परीक्षा उनकी प्योरिटी को प्रूव करने के लिए, उनके सतीत्व को सिद्ध करने के लिए की गई थी। तुलसी रामायण में क्या लिखा है? सीता हरण से पहले राम ने असली सीता को अग्निदेव के हवाले कर दिया था और अग्नि परीक्षा असली सीता को अग्निदेव से वापस प्राप्त करने के लिए आयोजित की गई। इस प्रसंग में वाल्मीकि और तुलसी दोनों का नैरेटिव एकदम अलग है। राम रावण युद्ध 2 बार हुआ। युद्ध के पहले दिन रावण लड़ने आया था और अंतिम दिन वो फिर से वापस आया और श्री राम के बाणों से मारा गया, ऐसा महर्षि वाल्मीकि कहते हैं। बाबा तुलसी क्या लिखते हैं? राम रावण युद्ध सिर्फ 1 बार हुआ और उसी युद्ध में रावण मारा गया। हनुमान जी कौन है? बंदर,
कपि, ऐसा बाबा तुलसीदास कहते हैं, लेकिन महर्षि वाल्मीकि ऐसा नहीं मानते। उनके अनुसार हनुमान जी बंदर नहीं वानर थे। वानर यानी वन में रहने वाले नर, आज की भाषा में कहें तो वनवासी। महर्षि वाल्मीकि ने लिखा है कि राम के वनवास के समय महाराज दशरथ कैकेयी से कहते हैं, वनवास राम को हुआ है, सीता को नहीं। अगर राम वन जा रहे हैं तो सीता को राज सिंहासन पर बिठाया जाए। लेकिन श्री रामचरितमानस में ऐसा कोई प्रसंग नहीं है। माँ सीता सोने का हिरण देखती हैं तो राम से कहती हैं, मुझे उस हिरण का चर्म चाहिए, उसकी खाल जिसे मैं अपनी कुटिया में सजाऊंगी। ये बाबा तुलसीदास की सीता हैं। वाल्मीकि की सीता सोने का हिरण किसी और पर्पस से मांगती हैं। वो हिरण को मारना नहीं बल्कि उसे अपने साथ अयोध्या ले जाना चाहती थी। केवट रामायण के सबसे सुंदर और सहज कैरेक्टर्स में से एक है, लेकिन ये केवट सिर्फ बाबा तुलसीदास की रामायण में है। वाल्मीकि ने कहीं केवट का जिक्र नहीं किया। तुलसीदास ने हनुमान को शिव का अवतार बताया है, शंकर सुवन केसरी नंदन, जबकि वाल्मीकि रामायण में ऐसा कुछ नहीं है। रावण की नाभि में अमृत था, ऐसा रामचरितमानस में बाबा तुलसीदास ने लिखा है, लेकिन महर्षि वाल्मीकि ने वाल्मीकि रामायण में रावण की नाभि में अमृत होने का कोई उल्लेख नहीं किया। और भी कई अंतर हैं जिनकी लिस्ट बनाने बैठे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, और अभी तो मैंने रामकथा के सिर्फ दो वर्जन्स को कंपेयर किया है। 300 से भी ज़्यादा वर्जन्स हमारे पास हैं, सब में कथा वही है लेकिन इमेजरीज बदल जाती हैं, स्क्रीन प्ले बदल जाता है और कहीं कहीं तो कैरेक्टर्स भी बदल जाते हैं। एक और बात, रामायण और रामकथा से जुड़े ऐसे कई रेफरेंसेज हैं जो किसी रामायण में नहीं मिलते, सिर्फ जनश्रुतियाँ हैं, सुनी सुनाई कहानियाँ हैं, लेकिन हम उन्हें भी बड़ी श्रद्धा से सुनते हैं और शिरोधारी करते हैं। जैसे श्री राम का शबरी के जूठे बेर खाना। शबरी का वर्णन तुलसी और वाल्मीकि दोनों ने किया है, लेकिन जूठे बेर का जिक्र किसी ने नहीं किया। वो गिलहरी वाली कहानी जो मैं भी कई बार सुना चुका हूँ, राम की गिलहरी, उसका मेंशन भी दोनों रामायण में कहीं नहीं है। मरते हुए रावण से लक्ष्मण ने ज्ञान लिया, ये भी वाल्मीकि और तुलसी दोनों ने नहीं लिखा। रावण की मृत्यु के बाद मंदोदरी ने विभीषण से विवाह किया, ये भी कहीं नहीं लिखा। लेकिन सिर्फ ना लिखे जाने के कारण ये प्रसंग रिजेक्ट कर दिए जाएं तो हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। गिलहरी से लेकर शबरी तक हर कथा में ऐसा संदेश है, ऐसा मैसेज है कि लाइफ ट्रांसफॉर्म हो जाए। हम राम को फैक्ट्स और फिगर्स में ढूंढकर, इन कहानियों पर सवाल उठाकर अपने ज्ञानी होने का सबूत दें, या राम नाम का अमृत पीकर अपना जीवन सार्थक कर लें, ये हमें तय करना है। आपने आज भी मुझे बड़े धैर्य से सुना, बड़े ध्यान से सुना, आपका आभार। जय श्री राम।